Good morning everyone, welcome to the next lecture of mechanical vibration. In this lecture we will learn about the damped free vibration. तो अभी तक हमने learn किया है कि undamped free vibration system क्या होता है, जहाँ पर mass और spring ये दो ही element होते हैं, कोई damper नहीं होता, उस system को undamped free vibration बुलाते हैं. System के अंदर अगर आप damping element को add कर देते हो तो उसको हम बुलाते हैं damped free vibration. So free vibration means there is no external force. Damped means there is damper. तो अब हमारा system कैसा होगा? Now we are having a system which is having mass plus spring plus damper. Okay. So हमारे जो element अब जो हमारा vibrating system होगा उसके अंदर तीन element हो जाएंगे. एक मास है, एक स्प्रिंग है और एक डैम्पर होगा. ओके, सो डैम्पर से होगा क्या? डैम्पर एक रजिस्टिंग एलिमेंट होता है. डैम्पिंग का मतलब होता है रजिस्ट करना, वाइब्रेशन सिस्टम के मोशन को रजिस्ट करता है. इससे जो आपका एम्पलीट्यूड है वो डिक्रीज होता है टाइम के साथ. कितना डिक्रीज होगा वो डिपेंड करेगा, रेट ऑफ डिक्रीज डिपेंड करेगा टाइप ऑफ डैम्पिंग पे. सो दैट मीन्स जब स्टार्ट करोगे आप वाइब्रेशन को तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रहेगा ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ द वाइब्रेशन. जैसे ही टाइम के साथ डिक्रीज होता जाएगा आपका एम्पलीट्यूड और लास्ट में एम्पलीट्यूड आपका जीरो हो जाएगा. दैट मीन्स डैम्पिंग से आपकी वाइब्रेशन कम होने लगती है और लास्ट में आपकी एंड हो जाती है. तो डैम्पिंग के बेनिफिट क्या होते हैं? डैम्पिंग से फर्स्ट बेनिफिट यही होता है कि डैम्पिंग से आप एम्पलीट्यूड को कंट्रोल कर सकते हो, जिससे कि जो रेजोनेंस के कारण आपका जो लॉस होते हैं उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो, मिनिमाइज कर सकते हो. अब जो ये दो एलिमेंट होते हैं मास और स्प्रिंग, ये इनहेरेंट एलिमेंट होते हैं, परमानेंट एलिमेंट होते हैं आपके सिस्टम के. डैम्पर जो होता है उसका मैग्नीट्यूड अगर कम होता है तो आप उसको इग्नोर कर सकते हो. दैट मीन्स इफ द वैल्यू ऑफ डैम्पिंग इज वेरी लेस यू कैन इग्नोर इट. तो आप तभी हम बोलते हैं फ्री वाइब्रेशन. फ्री वाइब्रेशन में हम डैम्पिंग को इग्नोर करके चलते हैं, अदरवाइज डैम्पिंग इज एवरीवेयर. तो थोड़ी बहुत डैम्पिंग हर जगह होती है, बट अगर वैल्यू बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो आप उसे इग्नोर कर सकते हो. तो इस लेक्चर में हम फर्स्ट यही देखेंगे कि डैम्पिंग का मतलब क्या होता है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ डैम्पिंग कौन कौन सी होती है, और लास्ट में हम एक इक्वेशन ड्राइव करेंगे जिसमें हम सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम लेंगे और विस्कस डैम्पिंग के साथ उसमें इक्वेशन ऑफ मोशन हम इसमें ड्राइव करेंगे. तो फर्स्ट देखते हैं डैम्पिंग का मतलब क्या होता है. डैम्पिंग का मतलब होता है रेजिस्टेंस टू द मोशन ऑफ वाइब्रेशन. वाइब्रेशन सिस्टम को रेजिस्टेंस देना ही डैम्पिंग होता है. जैसे कि एग्जांपल, अब वो डैम्पिंग आपको कोई एलिमेंट देगा, अब वो आपका लिक्विड ही हो सकता है, इट मे बी लिक्विड, इट मे बी सॉलिड. जो डैम्पिंग प्रोवाइड कर रहा है वो लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी. एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज सपोज एग्जाम्पल लेते हो आप कोई व्हील है कार का एंड इट इज मूविंग इन वॉटर. कोई कार का व्हील है और वो आपका कहाँ पर रोटेट कर रहा है, इट इज रोटेटिंग इन दी वॉटर. इसके चारों तरफ वॉटर है. अब ये रोटेट करेगा तो इसके मोशन को रजिस्ट कौन करेगा? वॉटर इटसेल्फ. तो यहां पर जो वॉटर है वो ही आपका एलिमेंट है, डैम्पिंग एलिमेंट. ठीक है, डैम्पिंग एलिमेंट. अब एग्जांपल लेते हैं, कार व्हील सपोज रोड पे ट्रेवल कर रहा है. ठीक है, तो रोड की जो प्रोफाइल होगी वही इसके मोशन को रजिस्ट करेगी. तो इस केस में लिक्विड है आपका रजिस्टिंग एलिमेंट, इस केस में सॉलिड है. तो जो भी एलिमेंट आपके वाइब्रेशन वाइब्रेटिंग सिस्टम के मोशन को रजिस्ट करेगा वही डैम्पिंग एलिमेंट होगा. ठीक है, नेक्स्ट कौन कौन से टाइप हो सकते हैं डैम्पिंग? टाइप्स ऑफ डैम्पिंग, देयर विल बी फोर टाइप्स ऑफ डैम्पिंग. फर्स्ट आपकी विस्कस डैम्पिंग, विस्कस डैम्पिंग. सेकेंड सॉलिड और स्ट्रक्चरल डैम्पिंग.
स्ट्रक्चरल डैम्पिंग, थर्ड इज ड्राई और फ्रिक्शन डैम्पिंग, ड्राई और फ्रिक्शन डैम्पिंग, फोर्थ स्लिप और इंटरफेशियल डैम्पिंग, स्लिप और इंटरफेशियल, इंटरफेशियल डैम्पिंग। डैम्पिंग का मतलब है रेजिस्टेंस देना। तो विस्कस डैम्पिंग जो आपकी होती है, यहाँ पर लिक्विड विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड वो आपको डैम्पिंग प्रोवाइड करती है। ये विस्कस डैम्पिंग मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है बिकॉज इसमें जो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो लीनियर होती है। किस टाइप की होती है? जो हमारी मोशन इक्वेशन ऑफ मोशन आएगी वो आपकी लीनियर होगी। और इसका कॉन्सेप्ट ये होता है जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी। तो ये आपका बन जाता है इक्वल टू सी एक्स डॉट। ओके, तो विस्कस डैम्पिंग में जो विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड है वो आपका डैम्पिंग एलिमेंट होता है। जितनी ज्यादा विस्कोसिटी होगी उतनी ही ज्यादा आपकी डैम्पिंग होती है यहाँ पर। और इस डैम्पिंग में अंदर जो आप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा आपको वो आपका लीनियर होगा नेचर में। ठीक है, एंड इन दिस केस द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। तो इसलिए हम विस्कस डैम्पिंग का यूज ज्यादा करते हैं जिससे कि आपका लीनियरिटी आपको मिले और लीनियरिटी को सॉल्व करना आसान होता है। नेक्स्ट होता है सॉलिड और स्ट्रक्चरल डैम्पिंग। स्ट्रक्चरल डैम्पिंग जो आपके जो भी एलिमेंट है उसका जो स्ट्रक्चर के अंदर फ्रिक्शन होता है, ठीक है, मॉलिक्यूलर जो आपका फ्रिक्शन होगा वो डैम्पिंग प्रोवाइड करता है इस केस में। दैट मींस स्ट्रक्चरल डैम्पिंग में मॉलिक्यूलर रेजिस्टेंस जो होता है वही आपको डैम्पिंग एलिमेंट का काम करता है। नेक्स्ट होता है ड्राई और फ्रिक्शन डैम्पिंग। कोई भी दो एलिमेंट जिनके बीच में फ्रिक्शन हो रहा हो, सपोज आपका इस टाइप का कोई एलिमेंट है, तो मास और इसके बीच में जो आपका रेजिस्टेंस होगा वही आपका डैम्पिंग एलिमेंट होगा। ठीक है, तो इस केस में फ्रिक्शन होता है। लास्ट होता है स्लिप और इंटरफेशियल। स्लिप और इंटरफेशियल में कुछ एलिमेंट आपके ऐसे होते हैं जिनके कांटेक्ट पे, ठीक है, जो माइक्रो लेवल का कांटेक्ट होता है वहां पर, जैसे नट एंड बोल्ट है, तो उस केस में आपका स्लिप होता है वहां पर, तो वही आपका रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है किसको, मोशन। तो उस टाइप के मोशन इसको रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं स्लिप और इंटरफेशियल डैम्पिंग। तो चारों डैम्पिंग में आपने ये देखा होगा यहाँ पर कोई डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ रेजिस्टेंस होते हैं। विस्कस डैम्पिंग में लिक्विड का रेजिस्टेंस होता है, सॉलिड और स्ट्रक्चरल डैम्पिंग में जो आपका मॉलिक्यूलर रेजिस्टेंस होता है, जो फ्रिक्शन में आपका कोई भी दो एलिमेंट के बीच में फ्रिक्शन है वही आपका डैम्पिंग का काम करता है। लास्ट में इंटरफेशियल में जो मेटिंग पार्ट्स होते हैं उनके बीच में जो स्लिप होता है वो डैम्पिंग एलिमेंट का काम करता है। तो अभी हम इक्वेशन को ड्राइव करेंगे जिसमें हम डैम्प फ्री वाइब्रेशन की इक्वेशन को ड्राइव करेंगे विद विस्कस डैम्पिंग। कौन सी डैम्पिंग लेंगे? विस्कस। विस्कस में बेनिफिट ये है कि वहां पर हमें लीनियरिटी मिलती है। जो इक्वेशन हम लेंगे वो लीनियरिटी आपको मिलेगी। ठीक है, नाउ दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ सिस्टम कैसा है आपका? सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम विद विस्कस डैम्पिंग, विद विस्कस डैम्पिंग, विद विस्कस डैम्पिंग। तो हम एक ऐसा सिस्टम लेंगे जिसके अंदर विस्कस डैम्पिंग होगी, सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा। ठीक है, इक्वेशन सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, विस्कस क्यों ले रहे हैं आपको बता चुका हूं मैं, क्योंकि इसमें लीनियरिटी आपको मिलेगी, उसको सॉल्व करना आसान है। सपोज ये आपका सिस्टम है जहां पर ये स्प्रिंग
एलिमेंट है आपका, ये डैम्पिंग एलिमेंट है आप, ये आपका मास है, और इसको हम क्या कर रहे हैं, इसको इनिशियल डिस्टरबेंस दे रहे हैं। देखिए अभी भी फ्री वाइब्रेशन है तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाना है, ओनली इनिशियल डिस्टरबेंस आपको देनी है। तो इसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में आप देखोगे, फ्री बॉडी डायग्राम में अब देखिए स्प्रिंग स्प्रिंग फोर्स लगाएंगे डायरेक्शन में के एक्स, और जो आपकी डैम्पिंग है वो डैम्पिंग फोर्स लगाएगी सी एक्स डॉट, क्योंकि वेलोसिटी ग्रेडिएंट का प्रोपोर्शनल होता है, तो फोर्स क्या बन जाएगा सी एक्स डॉट। तो अब इसमें आप न्यूटन्स लॉ लगाओगे, न्यूटन्स लॉ ने क्या बोला था, समेशन ऑफ फोर्स इक्वल टू एम इंटू ए, ए मीन्स दिस। तो ये हम यहाँ पर पुट करेंगे, तो अब इसको हम रब कर देते हैं। देखिए कौन कौन से फोर्स आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, माइनस के एक्स माइनस सी एक्स डॉट, बिकॉज ये एक्सेलरेशन का कोई डायरेक्शन में है, दैट्स व्हाई दे आर नेगेटिव एम एक्स डबल डॉट। अब इस साइड ले जाइए इसे, एम एक्स डबल डॉट प्लस सी एक्स डॉट प्लस के एक्स इक्वल टू जीरो, ओके। और देखिए इसमें अगर आप डैम्पिंग एलिमेंट को जीरो कर देते हो तो वही इक्वेशन बन जाएगी आपकी अनडैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन वाली, तो ये डैम्पर वही है आपका यहाँ पर। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एज्यूम करते हैं सॉल्यूशन, लेट एक्स इक्वल टू ई की पावर यू टी, ई रेज टू पावर यू टी। तो लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, तो इसको हम यहाँ पर x डॉट निकाल लीजिए, x डॉट क्या होगा u e raise to power ut, x डबल डॉट क्या होगा, देखो e ut को अगेन आ जाएगा तो u square हो जाएगा यहाँ पर e ut। अब ये तीनों वैल्यूज आप इस इक्वेशन में, सपोज दिस इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में पुट कीजिए, इक्वेशन में वन में पुट करोगे तो आपको मिलेगा m u square e raise to power ut प्लस सी यू ई रेज टू पावर यू टी प्लस के प्लस के ई रेज टू पावर यू टी इक्वल टू जी। देखिए यहाँ पर ई यू टी को कॉमन लीजिए, अंदर क्या बचेगा एम यू स्क्वायर प्लस सी यू प्लस के इक्वल टू जीरो। देखिए आइदर दिस वैल्यू जीरो और दिस वैल्यू जीरो, अब एक्सपोनेंशियल तो आपका जीरो हो नहीं सकता, एक्सपोनेंशियल को कुछ भी पावर आप रख दीजिए तो वो जीरो नहीं होगा, दैट मीन्स जीरो क्या हो जाएगा आपका, दिस क्वांटिटी विल बी जीरो, एम यू स्क्वायर प्लस सी यू प्लस के इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसके को रूट किस टाइप से निकालते हैं, यू इक्वल टू प्लस माइनस, पहले वो फॉर्मूला लिख देते हैं क्या होता है, तो फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी, रूट्स निकालते हैं किस टाइप से निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन एक्चुअली इस टाइप की होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ए क्या यहाँ पर एम है, बी क्या यहाँ पर सी है, ठीक है, एंड सी क्या यहाँ पर के, तो ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे हम तो आपको रूट मिल जाएंगे, तो दो रूट होंगे इसके यू वन यू टू, तो यू वन टू देखिए क्या हो जाएगा, माइनस बी, बी मतलब क्या है सी, माइनस सी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स दिस वैल्यू माइनस फोर ए, ए कितना है एम, फोर एम, और सी क्या है आपका के डिवाइडेड बाय टू ए, ए मीन्स एम। सो यहां से आपको दिख रहा होगा यू वन क्या हो जाएगा माइनस सी बाय टू एम, एक बार प्लस लीजिए एक बार माइनस लीजिए, c by 2m plus 1 by 2m under root c square
-4mk. Okay, and u2 will be -c/2m, -1/2m under root c square -4mk. Okay, so ये दो root आपको यहाँ पे calculate करोगे आप. जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो ही रूट होंगे. तो अब यहाँ पर देखिए, ये रूट जो है आपके रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं, सेम हो सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इनका सॉल्यूशन बनता है. तो सॉल्यूशन किस टाइप से बनेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी है जो रूट्स हैं, इफ इफ रूट्स आर, फर्स्ट कंडीशन लेते हैं रियल एंड डिफरेंट. रियल एंड डिफरेंट, अगर आपके रूट्स रियल और डिफरेंट है तो एक्स क्या होगा, एक्स विल बी सी वन ई रेज टू पावर यू वन टी प्लस सी टू ई रेज टू पावर यू टी. ठीक है, ये पहली कंडीशन है. ओके, सेकेंड, रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल. अगर रूट्स आपके रियल हैं और इक्वल हैं तो क्या होगा, सॉल्यूशन आपका होगा सी वन प्लस सी टू टी इंटू ई रेज टू पावर ई टी. ओके, लास्ट, जो आपके रूट्स हैं वो इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स. इमेजिनरी रूट्स किस टाइप से होते हैं, अल्फा प्लस माइनस आयोटा बी, इस टाइप से होगा. तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन मिलेगा आपका वो इस टाइप से मिलेगा, e रेज टू पावर अल्फा टी अंडर रूट सी वन कॉस बीटा टी प्लस सी टू साइन बीटा. तो ये तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं आपके जो रूट्स हैं, अगर ये इक्वल और डिफरेंट होंगे तो सॉल्यूशन आपका ये होगा, अगर आपके इक्वल है और रियल है तो वो आपके सॉल्यूशन ये होगा, अगर इमेजिनरी है तो ये होगा. अभी हम वन बाय वन देखते हैं, तो तीनों पॉसिबिलिटी को देखते हैं पहले. इससे पहले हम c by 2m, तो एक क्रिटिकल डैम्पिंग होती है, पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम वो कंडीशन देखेंगे. देखिए, अगर ये क्वांटिटी आपकी जो रूट के अंदर क्वांटिटी अगर जीरो हो जाए तो इस जो c हो वो क्रिटिकल डैम्पिंग बुलाते हैं इसे, दैट मीन्स क्रिटिकल डैम्पिंग. क्रिटिकल डैम्पिंग कब है, व्हेन सी स्क्वायर माइनस फोर एम के इक्वल टू जीरो. तो ये सी 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 बन जाता है, इसको हम बुलाते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग. तो सी सी स्क्वायर इक्वल टू फोर एम के एंड सी सी इक्वल टू 4m के अंडर रूट. तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इट कैन बी रिटन एज 2 अंडर रूट km, एंड इसको थोड़ा सा मॉडिफाई आप करोगे तो इस टाइप से लिख सकते हो, m से डिवाइड कर दीजिए, m से मल्टीप्लाई कर दीजिए, m रूट km डिवाइडेड बाय r. देखिए 2m, अब ये क्या बन जाएगा, रूट k / r. ठीक है, तो यहाँ पर अंदर जाएगा रूट के टाइम स्क्वायर में, वहां से कैंसिल हो जाएगा, दैट मींस 2m ओमेगा n. रूट के बाय m क्या होता है, ओमेगा n. तो cc क्या हो गया आपका, क्रिटिकल डैम्पिंग की वैल्यू क्या हो गई, 2m ओमेगा n. ठीक है, 2m ओमेगा n, तो ये वैल्यू आपकी क्रिटिकल डैम्पिंग की है. अब इसको रब करना पड़ेगा क्योंकि तो नेक्स्ट जो है वो है डैम्पिंग रेशियो. डैम्पिंग रेशियो नेक्स्ट इज डैम्पिंग रेशियो. डैम्पिंग रेशियो देखो नाम से आइडिया लग रहा है आपको, डैम्पिंग रेशियो डिनोटेड बाय एप्सिलॉन. डैम्पिंग रेशियो इज द रेशियो ऑफ सी बाय सी सी. ओके, तो सी डिवाइडेड बाय 2 एम ओमेगा एन. अभी हमने देखा था कि सी सी को क्या लिख सकते हैं, 2 एम ओमेगा एन. That means C by 2m into 1 by
ठीक है, तो c by 2 m को क्या ले सकते हैं, c by 2 m can be written as epsilon into omega. तो जहां पर भी c by 2 m है उसको ये वैल्यू आप पुट कर सकते हो यहां पर. तो आपका u1 u2 क्या बन जाएगा, u1 will become minus epsilon. ओके, देखिए इसका अंदर ले जाओ इसे, तो c by 2 m की वैल्यू रहेगी यहां पर. पहले इसको सिंपलीफाई कर देता हूं तब आपको दिखाता हूं. एक्चुअली u1 क्या है, एक में देखिए दोनों को, आप u1 कैन रिटर्न है माइनस c by 2 m प्लस, इसके अंदर ले जाइए इसे, क्या हो जाएगा c by 2 m होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 4 m k डिवाइडेड बाय 2 m. अब इसका स्क्वायर रहेगा क्योंकि अंदर रूट के अंदर ले जाते हैं स्क्वायर रहता है, माइनस सी बाय टू एम प्लस अंडर रूट सी बाय टू एम. देखिए ये क्या बन जाएगा, फोर है, फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, एम स्क्वायर एक एम से एम कट जाएगा, तो के बाय एम मतलब है ओमेगा एम स्क्वायर. ठीक है, तो यू वन आपका इस टाइप से भी हो सकता है, तो यू वन यू टू को एक साथ देखोगे तो प्लस माइनस आ जाएगा. तो जहां पर भी c by 2 m है तो वहां पर क्या वैल्यू पुट करोगे आप, दिस वन, दैट मींस योर रूट विल बिकम u1 इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन इनटू ओमेगा n प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन इनटू ओमेगा n होल स्क्वायर माइनस ओमेगा n. और देखिए सभी के अंदर ओमेगा एन वैल्यू को कॉमन ले सकते हो, इट विल बिकम माइनस एप्सिलॉन प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस वन इनटू ओमेगा. ठीक है, दिस इज योर यू वन, माइनस एप्सिलॉन प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस वन इनटू एप्स. और यू टू क्या हो जाएगा, यू टू में माइनस आ जाएगा वहां पर, माइनस एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस वन एंड ओमेगा. तो अब जो आपके रूट्स हैं वो इस फॉर्म में आ गए. ठीक है, दिस, तो अब तीनों केसेस को देखते हैं. डैम्पिंग रेशियो पे डिपेंड करेगा, इफ फर्स्ट केस देखते हैं पहले, केस वन, इफ डैम्पिंग रेशियो इक्वल टू वन, अगर डैम्पिंग रेशो 1 हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, तो u1 u2 दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, u1 इक्वल टू u2 इक्वल टू माइनस एप्सिलॉन इनटू ओमेगा. तो इस केस में आपका सॉल्यूशन क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था तीन केस हो सकते हैं, ये रूट्स रियल है बट इक्वल है, तो क्या हो जाएगा c1 प्लस c2 t into e raised to power ut. ठीक है, तो u की वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका c1 plus c2 t into e raised to power minus epsilon omega n into t. तो ये वैल्यू आ गई आपकी c1 plus c2 t into e raised to power minus epsilon into omega n t. तो ये सॉल्यूशन कब रहेगा, जब आपका एप्सिलॉन, दैट मींस अगर डैम्पिंग रेशियो आपका 1 है तो आपका सॉल्यूशन जो हमारी डैम्प्ड फ्री वाइब्रेशन का सॉल्यूशन है वो इस टाइप से होगा. ठीक है, नेक्स्ट केस क्या हो सकता है, केस 2, केस 2, इफ एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 1, अगर एप्सिलॉन आपका ग्रेटर देन 1 है तो u1 u2 दोनों ही रियल रहेंगे और डिफरेंट नहीं है, रियल एंड डिफरेंट. तो ये कौन सा केस है, रियल एंड डिफरेंट, डिफरेंट रूट्स. तो यहां पर जो आपकी वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू c1 e रेज टू पावर u1 कितना है, माइनस एप्सिलॉन प्लस अंडर रूट एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस वन इंटू ओमेगा एन टी प्लस सी टू ई रेज टू पावर यू टू टी. यू टू कितना है,
माइनस एप्साइलन माइनस एप्साइलन स्क्वायर माइनस वन इंटू ओमेगा एन टी। तो ये कौन सा केस है जब आपके रियल और डिफरेंट रूट्स हैं। तो अभी हमने देखा कि जब हम इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करते हैं तो उसके अंदर जो आपके रूट्स हैं वो डिपेंड करेंगे एप्साइलन की वैल्यू क्या है। एप्साइलन डैम्पिंग रेशियो होता है, डैम्पिंग रेशियो अगर वन हो जाता है तो रूट्स आपके रियल और इमेज रियल और इक्वल बन जाते हैं, तो सॉल्यूशन आपका आता है ये। अगर आपका एप्साइलन ग्रेटर देन वन है तो आपका सॉल्यूशन आएगा ये, दिस इज योर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन। लास्ट हम देखते हैं अगर डैम्पिंग रेशियो आपका लेस देन वन हो जाए तो इसको यहीं पर रख कर देते हैं हम। केस थर्ड क्या होगा आपका, व्हाट इज केस थर्ड, केस थर्ड इफ एप्सिलॉन लेस देन वन, ठीक है। अगर आपकी एप्सिलॉन की वैल्यू लेस देन वन, देखिए लेस देन वन होगा तो ये नेगेटिव आ जाएगा आपका यहाँ पर, तो ये तो इमेजिनरी हो गया, तो रूट्स आपके हैं इमेजिनरी रूट्स, इमेजिनरी रूट्स, ठीक है। और उसको कैसे लिख सकते हो आप इमेजिनरी रूट्स को, इमेजिनरी रूट्स अल्फा प्लस माइनस आयोटा बी। तो इसका सॉल्यूशन क्या बताया था आपको, ई रेज टू पावर अल्फा टी इंटू सी वन कॉस बीटा टी प्लस सी टू साइन बीटा टी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर देखते हैं इसको कैसे आप यू वन यू टू को कैसे अल्फा बनता है। देखो यू वन कैन बी रिटन एज माइनस एप्साइलन प्लस आयोटा अंडर रूट वन माइनस एप्साइलन स्क्वायर, ठीक है, इनटू ओमेगा। एंड यू टू कैन बी रिटन एज माइनस एप्साइलन माइनस आयोटा अंडर रूट वन माइनस इनटू ओमेगा। अब यहाँ पर आपको अल्फा क्या दिख रहा है आपका, देखिए जो पहली टर्म है वो अल्फा है माइनस एप्साइलन इनटू ओमेगा एन, ये आपका अल्फा है। एंड व्हाट इज बीटा, जो आयोटा वाली टर्म्स है, ठीक है, वो आपकी बीटा होती है। तो मैंने आपको बताया था बीटा, बीटा है आपका वन माइनस एप्साइलन स्क्वायर इनटू ओमेगा एन। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए, सॉल्यूशन क्या मिलेगा आपको, एक्स विल बी e raised to power alpha, alpha means minus epsilon into omega n, ठीक है। और अंदर क्या रहेगा, c1 cos under root 1 minus epsilon square into omega n plus c2 sin under root 1 minus epsilon square into omega n, ठीक है। So तो ये जो हमने सॉल्यूशन देखे हैं वो तीन केसेस के लिए देखे हैं हमने, एप्साइलन आपका ग्रेटर देन वन हो सकता है, लेस देन वन और इक्वल टू वन। तो इनको बोलते क्या है इस टाइप के सिस्टम को, जो हमने तीनों केस देखे हैं इनमें सॉल्यूशन हमने देखा है, तो हमने देखा कि या तो एप्साइलन आपका इक्वल टू वन है, ठीक है, तो इस केस को तो हम बुलाते हैं क्रिटिकल डैम्पिंग, क्रिटिकल डैम्पिंग। एप्साइलन आपका ग्रेटर देन वन होता इसको बुलाते हैं ओवर डैम सिस्टम, ओवर डैम। अगर आपका एप्साइलन लेस देन वन होता इसको बुलाते हैं अंडर डैम सिस्टम, अंडर डैम सिस्टम। तो अगर आपको अपनी कोई डैम्प फ्री वाइब्रेशन को एनालाइज करना है तो आपको देखना होगा कि आपके डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू क्या है, क्या वो इक्वल टू वन है, लेस देन वन है और ग्रेटर देन वन, उसके अकॉर्डिंग फिर आपका सॉल्यूशन आपका डिसाइड होगा। जो रेस्पॉन्स है वो डिफरेंट होता है, सॉल्यूशन का मतलब है आपका रेस्पॉन्स क्या है। जो अगर आपका क्रिटिकल डैम्प सिस्टम है, डैम्पिंग तो है बट कौन सा डैम्पर है, अब फ्री वाइब्रेशन है ठीक है उसके साथ डैम्पर आपने ऐड कर दिया, तो डैम्पर भी तीन टाइप का हो सकता है, या तो क्रिटिकली डैम सिस्टम होगा, या ओवर डैम्प होगा, या अंडर डैम्प होगा। तो तीनों का रेस्पॉन्स डिफरेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट
लेक्चर में हम ग्राफ से भी समझेंगे कि तीनों का रिस्पॉन्स क्या होगा। कोई एक्सपोनेंशियल में इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई हार्मोनिक के टर्म में डिक्रीज कर रहा है, तो वो ग्राफ के टर्म्स में देखेंगे हम कि एम्पलीट्यूड कैसे चेंज हो रहा है उनका। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि डैम्प फ्री वाइब्रेशन के अंदर जो डैम्प है वो डैम्पिंग एलिमेंट वो डिसाइड करता है आपका कि जो आपका एम्पलीट्यूड है वो किस रेट से डिक्रीज होगा। डिफरेंट डिफरेंट काइंड के डैम्पिंग एलिमेंट हो सकते हैं, जैसे आपका सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, और डैम्पिंग कुछ टाइप होते हैं। चार तरह के डैम्पिंग हमारे टाइप होते हैं, मेनली विस्कस डैम्पिंग, जहाँ पर विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड जो होता है वो डैम्पिंग एलिमेंट का काम करता है। नेक्स्ट जो आपका स्ट्रक्चरल डैम्पिंग, स्ट्रक्चरल डैम्पिंग का अंदर जो स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, जो मॉलिकुलर रेजिस्टेंस होता है वो डैम्पिंग का काम करता है। लास्ट जो थर्ड जो होता है वो आपका ड्राई और फ्रिक्शन डैम्पिंग होता है, जहाँ पर दो बॉडी के बीच में जो फ्रिक्शन होता है वो डैम्पिंग एलिमेंट का काम करता है। और लास्ट होता है आपका इंटरफेशियल और स्लिप डैम्पिंग, जहाँ पर भी रफ सरफेसेस होते हैं तो उनके जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो माइक्रो कॉन्टैक्ट होते हैं, तो वहाँ पर जैसे आपका नट एंड बोल्ट है तो जो स्लिप होती है वो आपका काम करती है डैम्पिंग का। लास्ट में हमने देखा कि इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए, डैम्प फ्री वाइब्रेशन सिस्टम के लिए। तो जब उसको बनाते हैं हम डैम्पिंग हम लेते हैं विस्कस डैम्पिंग टाइप, तो उसमें हमारा जो सॉल्यूशन आता है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन के टर्म्स में आता है, उसके दो रूट होते हैं, तो रूट्स में भी रियल इक्वल में भी रियल एंड अनइक्वल में भी इमेजिनरी, तो तीनों टाइप के रूट्स को हमने देखा किस टाइप से सॉल्यूशन। तो वो डिपेंड करेगा आपका एप्साइलन की वैल्यू क्या है, जिसको हम बुलाते हैं डैम्पिंग रेशियो की वैल्यू डिसाइड करेगी कि आपके रूट्स इक्वल हैं, अनइक्वल हैं, इमेजिनरी हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपका जो सिस्टम है वो रेस्पॉन्स करता है। ठीक है, रिमेनिंग टॉपिक्स हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे।